नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद दुखद खबर सामने आ रही है यूपी से। उत्तर प्रदेश के झांसी में सोमवार की रात 2 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लगने से एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। आग ने सिपरी बाजार इलाके में स्थित 3 मंजिला इलेक्ट्रॉनिक शोरूम और एक स्पोर्ट्स शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लोग अंदर दोस्तों फंस गए थे। इस घटना में 40 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। वहीं आग पर काबू पाने के लिए सेना की मदद ली गई है। अग्निकांड में यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर रजनी राजपूत को जिंदा बाहर निकाला गया था, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। आग की लपटों में घिरा एक कर्मचारी दोस्तों उसकी भी मौत हो गई है। झांसी के सिपरी बाजार में यह हादसा हुआ। आग पर करीब 10 घंटे बाद काबू पाया जा सका। आग इतनी भयानक थी कि आसपास से फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी, बाद में सेना से मदद लेनी पड़ी। बता दें कि इस अग्निकांड में 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। 100 से अधिक वाहन दोस्तों जलकर राख हो गई हैं। पुलिस के मुताबिक मिशन कंपाउंड निवासी नितेश और रितेश अग्रवाल का सिपरी बाजार में VR टेंडर्स के नाम से इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है। इसी शोरूम के फर्स्ट फ्लोर से आग भड़की थी। माना जा रहा कि शॉर्ट सर्किट से यह हादसा हुआ। आग इतनी भयानक थी कि लपटें और धुआं 10 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। आग को बुझाने में यूपी और MP स्टेट के अलग अलग जिलों की दमकल की करीब 50 गाड़ियां दोस्तों बुलानी पड़ी हैं। अब तक की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश के झांसी से, जहां पर सिपरी बाजार में भयंकर आग लग गई है। अब तक की सबसे बड़ी खबर। आप सभी अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें, अपनी राय कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।